हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं निकुंज और आप सभी जानते हैं हर बार मेरे साथ में मौजूद होते हैं नए नए कलाकार महान हस्ती। भाई आज मेरे साथ में मौजूद एक ऐसा कलाकार जिनका नाम सुनते ही तुम्हें देखते ही लोगों के दिलों में हंसी आ जाती है, काफी दुख और दर्द को भूल जाते हैं। इनका एक डायलॉग बहुत फेमस है, मैं सुनाना चाहूँगा। भाई मेरा ना एक सपना है, जब हम कॉलेज के फर्स्ट डे पे जाए ना तो तू ब्लैक पैंट रेड शर्ट ब्लैक गॉगल और तू काले घोड़े पे और मैं वाइट घोड़े पे बैठ के कॉलेज में एंट्री मारे। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे, भाई मेरे साथ में मौजूद है वरुण शर्मा जी, लेकिन इन्होंने लोगों के दिलों पे राज किया है चूचा के नाम से। भाई थैंक यू, मुझे अपने साथ जिस तरह से आपने डायलॉग बोला वो बहुत अच्छा लगा, बट थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार नागपुर आया हूँ तो बहुत मजा आ रहा है। तो सर अभी आप क्यूपीएल 7 सीजन 7 में आए हो, कैसा लग रहा है नजारा दुनिया रोशनी में बहुत अच्छा लग रहा है। जमीन जो मैच है बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत क्लोज मैच है और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। देयर आर सो मेनी पीपल हु कम हियर गैदर टू वॉच द मैच, आई थिंक इट्स वेरी नाइस कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं क्यूपीएल को, एंड कि अगले साल भी और बढ़ता रहे और बार बार नागपुर हमें बुलाते रहे। सर मैं ज़्यादा आपसे कुछ पूछूंगा नहीं, मैं बस चाहूँगा आपकी जो एक जर्नी कितनी इमोशनल रही है आपकी जर्नी। बहुत ऑब्वियसली मुश्किल रहा है, जैसे बहुत आसान सफर नहीं रहा, जैसे अंदर से होने चाहिए और वहाँ से मैंने स्टार्ट करा, करते 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 खेलना पड़ता था। पहले थिएटर के बाद जब मुंबई आया तो वहाँ पर मैं कास्टिंग में असिस्टेंट था, तो फिर अपना पूरा लर्निंग पीरियड स्टार्ट हुआ। बहुत से ऑडिशन दिए, बहुत से रिजेक्शन मिले, बहुत सी सिलेक्शन हुई, लेकिन काम उस पर नहीं बना। पर धीरे धीरे करते करते लगे रहते, डटे रहते, चीज़ें बनती रही और फिर फिल्में हुई और लोगों को का प्यार मिला और वहाँ से फिर सफ़र एक नया शुरू हुआ। तो जब आपने, आपको पता है कि कॉमेडी एक्ट करना बहुत काफ़ी कठिन काम होता है, तो वहाँ लोगों को हंसाना कितना कठिन होता है? बहुत मुश्किल होता है, आई थिंक कि किसी के चेहरे पे खुशी लाना, स्माइल लाना या हंसाना, ऑब्वियसली थोड़ी मुश्किल काम तो होता ही है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि जिस तरह के लोगों के रिएक्शन मिलते हैं, जिस तरह से वो प्यार देते हैं और जिस तरह से वो हंसते हैं या स्माइल करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं जब हम लिखते हैं कोई भी स्क्रिप्ट, कोई भी किरदार बनाते हैं, हम एज एक्ट करते हैं उसमें, तो हम होप करते हैं और हम प्रे करते हैं कि वो लोग उसको पसंद करें और उसके उसके साथ जुड़े, और जब इतने सारे लोग जुड़ते हैं और उनको अच्छा लगता है तो हमें बहुत खुशी होती है कि अच्छा कुछ कर रहे हैं। एज एन एक्टर मेरे जो आने वाले प्रोजेक्ट है, एक जो अभी रिलीज होगी उसका नाम है फ्राइडे, उसमें डोगरा जी है, मैं वो अभिषेक डोगरा जी ने डायरेक्ट करी है, जिन्होंने डॉली की डोली करी थी, और फिर उसके बाद जो भी मैं फिल्म शूट करना स्टार्ट कर रहा हूँ वो अर्जुन पटियाला है, उसमें दिलजीत दोसांझ है, मैं हूँ, कृति सैनन है जो रोहित जुगराज जी डायरेक्ट कर रहे हैं। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू क्रिएटिव नागपुर इन्फो के दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगा कि ये देखते रहें और खुश रहें और इन्जॉय करें, और ये जो हल्की हल्की मीठी मीठी ठंड है अभी उसके नज़ारे लें, क्योंकि बम्बई में मुझे ये नहीं मिलती जितनी यहाँ पे है, और इसी तरह से एकजुट होकर रहें और खुश रहें और साफ सफाई ज़रूर रखें। तो आपने सुना चूचा जी के बातें, आज के लिए इतना ही, अगले बार फिर मिलेंगे कुछ नए सेलिब्रिटीज़ के साथ, नए बातें बताएँ।